मंडी मंडी चंडी सॉरी आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड टू मेनी थॉट्स ऑन माय माइंड आई कांट स्लीप एट नाइट सो आई जस्ट कीप राइटिंग यार बड़ा झूठा इंसान है तू क्या कह रहा था जिस दिन उसकी डोली उठेगी मेरा जनाजा उठेगा अब देख उसकी डोली जा रही है और तू यहाँ बैठा है चल डोली कैसे उठेगी अक्कू भाई दूल्हा तो यहाँ पड़ा है मेहंदी लगा के रखना डोली भाई फोन दिखा जल्दी क्या करेगा भाई भाई टिकटॉक खोल ले भाई सुबह तेरे भाई ने वीडियो डाली थी दोस्त का फोन आया था भाई धनाधन वीडियो चल रही है 99 लोगों ने देख लिया है जल्दी दिखा भाई 6 लाइक शाम तक तेरा भाई टॉप 10 पार कर जाएगा हे महाकाल This is my house key. This is my car key. And this is my monkey. क्या हुआ? अरे यार चेस्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर को फोन लगाना जरा इसका पासवर्ड क्या है Oh my God! नहीं नहीं रहने दे अभी ठीक लग रहा है मुझे नहीं मैं लगाती हूँ नहीं रहने दे ठीक लग रहा है अब तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी बेबी मैं ना सब्जी मंडी जा रही हूँ 2 किलो मटर ले आऊं बेबी आप पूछते क्यों 2 की जगह आप 3 किलो ले आओ छील लोगे 2 किलो मटर इसलिए पूछ रही हूँ 1 किलो ले आओ वो वाहियात गेम मेरे फोन में डाउनलोड मत करना था मैं बोल रही हूँ तुम्हारा फोन भी तोड़ दूंगी और अपना भी तोड़ दूंगी डोंट डाउनलोड द अबे बेटा अब मिल गया मुझे 8x अब मैं सबकी ऐसी की तैसी करूंगी अब चल तू मेरे साथ चिपंकी चल बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा गाना खत्म हुआ ठुकराया था मेरा प्यार उसने किसी गैर के लिए ठुकराया था मेरा प्यार उसने किसी गैर के लिए आज किस्मत फिर उसे उसी मोड़ पर लाई है आज अचानक उसे मेरी याद आई है हाय कैसी हो पागल हूँ क्यों क्योंकि तुम फिर 8 घंटे बाद मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करोगे और मैं 8 सेकंड में तो पागल ही हुई ना ट्रक से एक्सीडेंट हो गया देखो मुझे बहुत चोट लगी है प्लीज आगे तक छोड़ दो अरे भाई साहब ये क्या है अरे अरे मैडम अरे कहाँ जा रही हो मैडम रुको आपको क्या लगता है मैंने उस जरूरतमंद की क्यों मदद नहीं की क्या मैं मतलबी हूँ नहीं जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि ट्रक से एक्सीडेंट के बावजूद उसको चोट नहीं लगी थी शायद उसने जानबूझ के अपनी बाइक वहाँ गिराई थी वो लंगड़ा रहा था अपने दाहिने पैर से और चोट उसने अपने बाएं पैर में दिखाई घनी झाड़ियों के बीच मुझे एक और परछाई दिखाई दी जहाँ मुझे समझ में आया कि वो अकेला नहीं था मैंने समझदारी की दौर पे अपना स्कूटर बंद ही नहीं किया था आपकी जिम्मेदारी है परखना एक जरूरतमंद और एक फरेबी के बीच में क्योंकि आपको सतर्क रहना है सावधान रहना है और अपना ध्यान रखना है जय हिंद दीदी बहुत बारिश हो रही है मुझे यहाँ आगे तक जरूर आओ मदद करें पर शिकार ना बने